वन बच्चों वन टू थ्री स्टार्ट। वेरी ओह माय गॉड वाओ। ये तो ये हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ज्यादा मुश्किलें भी हमने ली हैं, बहुत ज्यादा फैमिली में हमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। ये वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान, आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो जी नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं ये मलिक आसिम, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनका इंट्रोडक्शन क्यों करवा रहा हूं। वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये जो है टिकटॉक स्टार है, जिनका जो है 10 दिन के अंदर 50K फॉलोअर कम्प्लीट हो गया है, तो जो है 50K से ऊपर जा रहा है, और 10 दिन के अंदर इन्होंने जो अपना अकाउंट बनाया और 10 दिन के अंदर जो है ये वायरल हो चुके हैं। और तो जी आइए इन्हीं से जानते हैं, यानी कि होता है हर एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इनके पीछे औरत का भी हाथ है, मगर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका हाथ काफी ज्यादा है इनकी वीडियोस में ना। तो जी आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका इतनी ज्यादा इनकी वीडियोस वायरल कैसी हुई हैं और ये कैसे बनाते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम जी, मलिक आसिम, आप मुझे बताइएगा कि आपने 10 दिन के अंदर आपने 50,000 फॉलोअर जो है आपने पाए हैं, तो वो कैसे ही इनकी इतनी ज़्यादा जल्दी वीडियो वायरल कैसी हुई है? लाइक वो क्या कहते हैं, चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। जी जी। और ये किसी भी कामयाब चीज़ के पीछे जो है ना एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है। जी, तो हमें 3 से 3.5 साल हो गए हैं टिकटॉक के ऊपर वीडियोज बनाते हुए, और एकदम से जो है ना ये वायरल नहीं हुआ। एक हफ्ता पहले की बात है कि हमारे 2400 फॉलोअर थे, और उसके बाद जब हमने कुछ ट्रेंड पकड़ा, एक वीडियोस पकड़ी, उनके ऊपर मुसलसल वही वीडियोस हम लोग बनाते रहे हैं, तो बना के तो हमने 50,000 फॉलोअर जो है ना 10 दिनों के अंदर कलेक्ट किए हैं। जी जी, यानी कि आपको आइडिया कैसे आया कि जी हम वीडियो बनाते हैं? चलो टिकटॉक तो बनाना वो तो हर कोई बनाने का शौक है, लेकिन ये बच्चे साथ में, आपको कैसे आइडिया आया कि आप बनाएंगे ऐसे? लाइक बच्चे जो है ना माशाल्लाह रहती मेरे साथ हैं, ये सारे बच्चे जो है ना, इनमें से 3 जो है ना वो मेरी अपनी बेटियां हैं, और बाकी कुछ मेरी भतीजियां हैं कुछ इस तरह जो है ना। जी जी। तो लिहाजा जो है ना इनके साथ बनाने का जो आइडिया है वो मेरा इस तरह आया कि जब ये मौजूद थे तो मैंने कहा यार, एक वीडियो मैंने देखी थी उसमें इस तरह ना 2-3 लोग बना रहे होते हैं, मैंने कहा यार अगर क्यों ना हम गैदरिंग इकट्ठी करें, गैदरिंग में ज़्यादा वो तो फिर बच्चों का आइडिया मेरे। ये होता है ना कि एक ही आपने वो सॉन्ग पे बनाया हुआ है ना, तो उस पर जो है इतनी सारी जो है सारी फैमिली, तो इतनी जल्दी वीडियो वायरल हुई है, ये बच्चों की वजह से आपको यानी सपोर्ट ज़्यादा मिली है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, यानी कि आपने ऐसे सॉन्ग बनाया और जो है 10 दिन के अंदर जो है वायरल हो चुके हैं आप। दरअसल वो सॉन्ग तो एक बॉलीवुड का सॉन्ग है, लेकिन वो सॉन्ग तो एक ओरिजिनल है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा ना कह लें कि एक फनी लुक दी है। छोटे छोटे जो हैं बच्चे हैं, ये इनकी एक्टिंग भी माशाल्लाह, इनमें टैलेंट इतना है कि जो है वो जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट अच्छे से। जी डेफिनेटली, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के पीछे लग के, इन्होंने एक दूसरे को कॉपी करके, अब देखे ना वो छोटी सी बच्ची है वो। जी जी, वो देखे वो भी बहुत है जो है ना, कोई ये छोटी सी बच्ची है, साथ में मैं आपका उससे भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। माशाल्लाह से इनके में इतना टैलेंट है ना। मैं इधर आओ, ये वो देखे पीछे बच्चे घूम रहे हैं। ये आपके भाई हैं? जी जी, ये मेरा बेटा है। ये बेटा आपका? जी। ओह माय गॉड वाओ। जी मैं लगते नहीं है आप में। ये जी लगते लग तो नहीं ना रहे। ऐसी वीडियो देख रहे हैं, कहते यार ये वीडियो अच्छी है, एक बनाई दो बनाई, कहते यार सारे बच्चे हैं, हम फैमिली में बैठे हैं, चलो सारे मिलके ना वीडियोस बनाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों ने सब ने किया हुआ है, और माशाल्लाह से इनमें इतना टैलेंट है, वायरल कैसे हुए हैं ऐसा, और इनका वीडियो बनाने में कैसा लगता है अपने जो है जो भी चाचू मामू जो पापा है जो भी उनके साथ? जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरशाद वाहिद। इरशाद वाहिद जो है फॉलोअर हैं, तो उधर भी तो आपको देखते हैं, एक दफा करके बताओ। बाकी आप बाकी से पूछ लो, वो कर लेगी। आप भी कर लोगे? आपको वीडियो बनाते हुए कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। चलो जी एक दफा करके बताते हैं, आप लगा के बताओ एक दफा, कैसे करते हो? कैसे आए? हाँ नहीं, खड़े हो के एक दफा करिए, चलो करो। पतली कमरिया आती लीची नजरिया मोरे। आपकी वीडियो मैं देखता हूँ रोजाना। क्या नाम है? निंसा जाहिर। अच्छा आप क्या करती हो? आप भी टिकटॉक बनाती हो? तो आइएगा।
और आप जो है टिकटॉक बनाती हैं जब, तो ये जी जरा जी एक दफ़ा इन बच्चों से जौन से भी वीडियो बनाते हैं ना, एक दफ़ा हम सॉन्ग रिकॉर्ड लगाते हैं तो ये सारे बच्चे करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो जी वेरी गुड जी, वेरी गुड। नाजरीन इसी गाने पर इन्होंने जो है टिकटॉक बनाई है, और वो इसी वीडियो से जो है इन्हीं जो सॉन्ग इसी सॉन्ग से और इसी जो है वीडियो बनाने से ऐसे ही तिरछी नज़रिया मुझे कभी कभी, जो वो छोटी बच्ची है ना जो, वो भी बहुत ही जो है करती है डांस ऐसे ही इसी गाने पर करते हैं डांस, तो जो है बहुत ही फास्ट है। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा जी, आप जब जो है करती हैं आप वीडियोस बनाती हैं, तो यानी कि आपको कुछ शर्माना होता है ना कि होती होगी थोड़ी नहीं। सी फैमिली में हम लोग बहुत फ्रेंडली है, तो इसलिए जरा सा भी नहीं, हम लोग करते हैं, हम अपना फन करते हैं। फैमिली में नहीं होता? नहीं, कोई थोड़ा सा भी नहीं? नहीं। फिर भी कभी नहीं शर्माना? नहीं, हम बाहर भी ऐसे बनाते हैं, अपना बनाते हैं पूरी जो है होता है ना कि जैसे ये भी लोग जो है घूम रहे हैं तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वाकई में किसी की बात कोई भी लेनी नहीं चाहिए जी। मैं बनाता हूँ वीडियो, कहते हैं तुम रहने दो, मैं लेनी नहीं चाहिए किसी, लोगों ने तो बातें करनी है, बातें करनी है। तो जी अब वो कौन है जी, आपका बेटा है आसमान जी? ये मेरी साली का बेटा है जी। जी ठीक है जी, बड़ा शर्मिला है ये भी, लेकिन वीडियोस हमारे साथ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं जी। मैंने देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुरम। मोहम्मद खुरम, अच्छा बता, स्कूल जाते हो? हाँ जी। क्लास में? फाइव में। अच्छा, आप भी, आपकी भी मैंने वीडियो देखी हुई है, वो ना शर्मा के ना वो थोड़ा सा दरवाजे के पीछे चला गया था जी, वही है ना? हाँ वही है। ये यानी कि जैसा कि लोग होते हैं ना लेते हैं ये बाहर घूमना, तो जी चलो जी वीडियो बनाई है, तो कहीं होता है मैंने नहीं बनानी, गर्मी ही होता है, तो आप फैमिली पूरी में कर लेते हैं कोई भी जो है। तो जी आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? सेवन क्लास में जी। थैंक यू, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदि। मोहम्मद आदि, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नाइन्थ। आप भी टिकटॉक स्टार हो? सारे ही, यानी कि आप भी, यानी कि आपने पूरी फैमिली ना, जैसा कि ना ये पूरी फैमिली के में जो है ना कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है जो कि टिकटॉक ना बनाता हो, छोटे से छोटे में बच्चे में भी इतना टैलेंट है जो कि वीडियोज जो भाग भाग के बनाते हैं। व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत अच्छी मेहनत है, ये कोशिश है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी हमने ली हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली में हमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। कुत्ते को एक पत्थर फेंकेंगे जी जी, तो हम अपने रास्ते में अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा पाएंगे, रुकावट बनेगा डेफिनेटली। तो कुत्तों का काम है भोंकना जी जी, उन्हें भोंकने दें, हमारा काम है चलना, और अगर हम कंटिन्यूसली चलेंगे तो हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। जी, आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आपके पास इन्हीं टिकटॉकरों के साथ जो है आती रहे वीडियोस, ठीक है? तो जी नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा अल्लाह हाफिज़ तो कह दो जी। अल्लाह हाफिज़।